सो हेलो दोस्तों, यार कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो है ऑल न्यू 2021 वेरिएंट ऑफ यामाहा एफजी के बारे में। फाइनली यामाहा ने एफजी के ऊपर ध्यान दिया और इस बाइक में कुछ नए फीचर्स डाले, साथ ही साथ हर बार की तरह इस बाइक का प्राइस भी बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाले ये फीचर्स यामाहा की तरफ से, और साथ ही साथ आपको इसके प्राइस के बारे में भी बता दूंगा। ये सब जानने के लिए दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के लुक और डिजाइन से। इस बाइक में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, पहला एफजी और दूसरा एफजीएस। दोनों ही वेरिएंट में यामाहा ने माइनर सा चेंजेस करा है। इसके साइड लुक में जो पीवीसी फिनिशिंग थी उसको सिल्वर कलर के साथ चेंज कर दिया है यामाहा ने। तो आपको बता देता हूँ इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, बाइक का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट एक्स ब्लूटूथ मॉड्यूल, जो आपको एक्सेस दे देता है ई लॉक, लोकेट माई बाइक, हजार्ड स्विच और आंसर बैग जैसे एलिमेंट को ऑपरेट करने के लिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो यामाहा ने MT15 में नहीं डाली वो आपको एफजी में देखने को मिलेगी। मेरे पास पर्सनली खुद यामाहा MT15 है और मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को इस बाइक में काफी मिस करता हूँ। जब आपको TVS अपनी अपाचे सीरीज में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रही है 1,20,000 के प्राइस रेंज पर, तो एक बार यामाहा को भी जरूर सोचना चाहिए MT15 और R15 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देने के बारे में। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा जो फीचर आया है इस बाइक में वो है साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का। सभी कंपनी अपनी बाइकों की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच के साथ अपनी मिड रेंज बाइकों को अपग्रेड कर रही है। ऐसे में दोस्तों यामाहा ने आपकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ये फीचर एफजी में भी डाल दिया है। इंजन में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यामाहा दोस्तों जानी जाती रिफाइनमेंट की वजह से, ऐसे में यामाहा ने एफजी के सभी मॉडल के इंजन को और भी ज्यादा रिफाइन कर दिया है, और साथ ही साथ इस बाइक की पावर जो पहले से ही काफी कम थी उसको और भी ज्यादा कम कर दिया है। ओवरऑल दोस्तों आपको बता दूं, यामाहा ने इसके प्राइस को इंक्रीज करने के साथ साथ इसके पावर को डिक्रीज भी कर दिया है। अब ये एफजी आपको 12.4 BHP के साथ देखने को मिलेगी, जो काफी कम है एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक के हिसाब से। पता नहीं आखिर क्यों यामाहा इसके पावर को इंक्रीज नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपके क्या सजेशन है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आपको बता देता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में। यामाहा एफजी FI जो कि बेस वेरिएंट है उसके प्राइस को यामाहा ने 1,000 रुपए से बढ़ा दिया है, और जो इसके विंटेज एडिशन और डार्क नाइट एडिशन है उसके प्राइस को भी यामाहा ने 1,000 रुपए से बढ़ा दिया है, और जो यामाहा FZS FI के स्टैंडर्ड शेड है उसको यामाहा ने 2,500 रुपए से बढ़ा दिया है। ऐसे में आपको यामाहा FZ FI 1,03,700, FZS FI 1,07,200 और डार्क नाइट एडिशन 1,08,700 और इसका विंटेज एडिशन 1,10,700 के एक्शन प्राइस पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ऑन रोड ये बाइक RTO और इंश्योरेंस लगाकर आपको 1,22,000 से 1,32,000 के प्राइस पर मिल जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों, क्या आप इतना ज्यादा अमाउंट देकर एक 12 BHP की बाइक लेना पसंद करोगे, या फिर आप किसी और बाइक की तरफ मूव कर जाओगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो यामाहा एफजी के अपडेट के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप और भी अपकमिंग बाइक और बजट बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।